हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो मेरी स्टेडियम वाली वीडियो थी उसके अंदर बहुत लोग एक कमेंट आ रहे थे कि आप भगत सिंह स्टेडियम को दोबारा से दिखाओ, ब्रो प्लीज़ इसको दोबारा से दिखाओ। मैं कहा चलो आज मैं आपको फिर से भगत सिंह स्टेडियम दिखाता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ साइकिल पर और मौसम भी बहुत अच्छा है आज। फ्रेंड्स ये पीछे इधर CDLU है। फ्रेंड्स इधर बहुत तेज़ हवा चल रही है। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ। आप देख लीजिए गाइस, ये इधर कबूतरों के लिए बना रखा है और इधर कबूतरों को खाना मिलता है। और ये कबूतर, इधर बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं। फ्रेंड्स ये रहा भगत सिंह स्टेडियम। इधर ये वाला गेट बंद रखते हैं, आगे वाला उधर, दूसरे वाला चालू। उधर से गाड़ियाँ अंदर जा रही है। और इधर छोले कुलचों की दुकान लग रही है। इधर ये पर्दे से लगा रखा है। इधर आगे लगी हुई है। और ये रहे इधर दुकानें। ये सीधा रोड आगे जाके बस स्टैंड पे मिलता है। फ्रेंड्स ये हम एंटर हो रहे हैं भगत सिंह स्टेडियम के अंदर। ये रहा इधर पार्किंग के लिए बना रखा है इस तरफ। और ये बैडमिंटन ग्राउंड है, अंदर बच्चे खेल रहे हैं। ये आगे फुटबॉल ग्राउंड है शायद, उसका नहीं पता मेरे को। ये रहा वॉलीबॉल ग्राउंड है, इधर बोर्ड लग रखा है। ये वाला भी वॉलीबॉल ग्राउंड है इस तरफ। और आगे वाला कौन सा ग्राउंड है देखना पड़ेगा आगे जाके। इस तरफ ये वाला दूसरा ग्राउंड है, इसके अंदर हम मेहनत करते हैं। ये बास्केटबॉल ग्राउंड है। फ्रेंड्स पिछली वीडियो के अंदर इधर रोड बहुत खराब थी और अब नहीं बना रही ये रोड। और ये वाला क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे अभी, इसके अंदर घास घूस लगा रहे हैं। महीने दो महीने में ये भी तैयार हो जाएगा। और इस तरफ क्रिकेट खेलते शाम को थोड़ी लेट हो जाती है। आज थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है और बच्चे इधर अच्छा खेलते। फ्रेंड्स इधर हॉकी ग्राउंड है, ये अंदर बच्चे अंदर हॉकी ग्राउंड है और बच्चे खेल रहे हैं। इस तरफ ये वाटर वर्क्स है, शिक्षा का वाटर वर्क्स। इधर अंदर हम पानी पीने के लिए इधर बाहर ठंडा पानी निकल। ये राज्य क्रिकेट के लिए क्रिकेट ग्राउंड। फ्रेंड्स इस तरफ आर्चरी ग्राउंड है। एक बंदे की एक बाइक की आई थी कमेंट की आर्चरी ग्राउंड दिखाओ। ये लो ब्रो देख लो आर्चरी ग्राउंड आपका। इधर ये पुलिस लाइन है, इस तरफ पुलिस। और इस तरफ ये सीधा जाके इधर से हम आए तो फिर ये रोड मिल जाएगा। इधर एक टूल भी बना रहे थे, चल इसका पहले काम चल रहा था। ये हमारा स्टेडियम है, बड़ी स्टेडियम। ये इस तरफ छोटा सा हॉकी ग्राउंड बना रखा है। ये है 400 मीटर का एक ग्राउंड है, मैं आपको अभी अंदर जाके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स कृपया आप इन स्टंट को घर पर ना दोहराएं। अच्छा। और इधर ये अच्छा रहने के लिए बना रखा है इस तरह। ये अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहने के लिए उसके लिए बना, इधर से एंट्री होती है। अगर कोई चीफ गेस्ट हॉस्टल है उसी को इधर से एंट्री मिलती है, अंदर से ताला लगा दिया। फ्रेंड्स ये ऊपर से कुछ ऐसा नजारा है। ये रहा और बोट, तेज हवा चल रही है इधर ठंडी ठंडी। और नीचे से कुछ ऐसा माहौल है, बहुत तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये रहा ऊपर, इधर कोई आता ही नहीं है। ये रहा पूरा ग्राउंड दिखाता हूँ। ये रहा पूरा 400 मीटर का ये एक राउंड है।
हॉकी ग्राउंड के अंदर अभी ग्राउंड को साफ़ कर रहे हैं, देख लो। ये रहा, पानी के साथ साफ़ करते हैं उसको, देखो उधर भी लगे हुए हैं। फ्रेंड्स ये पूरी सिरसा सिटी इधर से दिख रही है, इधर पीछे ये इधर ये रहा ग्राउंड हमारा, और इधर वो एंट्री गेट है, पीछे एंट्री गेट है। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करता हूँ। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।